दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर भारत रूस और अजरबैजान को लेकर सामने आ रही है, जहां पर रूस ने फाइनली अजरबैजान को एक बड़ी चेतावनी दी है और साफ कहा है कि भारत और रूस के व्यापारिक रिश्तों के लिए अजरबैजान को हमारा साथ देना पड़ेगा। इस खबर के बारे में आगे हम बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत के डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर इस आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर काफी सारे देश इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आर्मेनिया खरीद चुका है और अब तीन और बड़े देश इसमें इंटरेस्टेड है। यह देश कौन से हैं, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं कम्युनिटी में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द कोड नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया। इनके चार ऑप्शन नीचे दिए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में या फिर कम्युनिटी में, जहां पर हम डेली 12 बजे क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, वहां पर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरेस्ट है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली आपके लिए डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल भारत का मित्र देश यानी कि रूस ने अजरबैजान को चेतावनी दी है और कहा है कि भारत के साथ व्यापार के मुद्दे को लेकर वह चाहता है कि अजरबैजान भी रूस की मदद करे। दरअसल आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत है और INSTC कॉरिडोर के जरिए भारत और रूस के बीच आयात निर्यात होता है। INSTC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। INSTC कॉरिडोर ईरान के जरिए मुंबई शहर को रूस के शहर से जोड़ता है और इसी के जरिए भारत और रूस का व्यापार काफी तेजी से बढ़ा है। अब INSTC के जरिए रूस ने अजरबैजान को भी निमंत्रण दे दिया है। दरअसल अजरबैजान को निमंत्रण देते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वह भी इस कॉरिडोर के साथ जुड़े और रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करे, साथ ही साथ जो व्यापार रूस का हो रहा है उसमें मदद करे। इसके साथ रूस और अजरबैजान का भी फायदा होगा, साथ ही साथ भारत और रूस के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की थी। अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहान अलीयेव ने पुतिन के साथ मुलाकात की और उसी वक्त रूस के राष्ट्रपति ने उन्हें इस कॉरिडोर के साथ जुड़ने का निमंत्रण दिया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वे इच्छुक देशों को परियोजना में भाग लेने के लिए निमंत्रण देते हैं, चाहते हैं कि देश उनके साथ जुड़े और कॉरिडोर और ज्यादा मजबूत करे। इसके साथ ही तमाम देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में एक बड़ा कदम ये होगा। दोस्तों इसी कॉरिडोर के जरिए साल 2022 और 23 में भी भारत और रूस के बीच व्यापार काफी ज्यादा बढ़ा था। इस दौरान भारत और रूस ने काफी ज्यादा व्यापार किया था। इसके जरिए ही इस वक्त भारत में कुकिंग ऑयल और साथ ही कच्चा तेल पहुंच रहा है। भारत ने रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से रूस से अधिक मात्रा में तेल मंगाना शुरू किया था और इसी कॉरिडोर के जरिए भारत तक रूस का सामान तेजी से पहुंच रहा है। वहीं इसी कॉरिडोर के बीच में अजरबैजान आता है और इसी के चलते अजरबैजान को रूसी राष्ट्रपति ने निमंत्रण दिया है। रूस और आर्मेनिया के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत है और अगर अजरबैजान INSTC के साथ जुड़ जाता है तो भविष्य में आर्मेनिया और अजरबैजान के रिश्ते भी काफी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि INSTC से जुड़े भारत और रूस दोनों ही आर्मेनिया के काफी करीबी माने जाते हैं, जबकि अजरबैजान के साथ भारत और रूस के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन INSTC कॉरिडोर से जुड़ने के बाद अजरबैजान के रिश्ते इन दोनों देशों के साथ ही आर्मेनिया के साथ भी बेहतर हो सकते हैं। आपको बता दें कि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान मार्ग पर भी इसकी एक शाखा है। इसके अलावा ईरान और कैस्पियन पर भी दूसरी शाखा है। इसी के चलते ज्यादा से ज्यादा देशों को इस परियोजना के साथ जोड़ने की मुहिम चल रही है। आपको बता दें इस कॉरिडोर की शुरुआत भारत, रूस और ईरान ने की थी। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा देश इस कॉरिडोर के साथ अगर जुड़ते हैं तो इन तीनों देशों को तो फायदा होगा ही, साथ ही इस कॉरिडोर से जुड़ने वाले देशों को भी फायदा होगा। वैसे आपके हिसाब से क्या भारत को अजरबैजान को इससे जोड़ना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों एक समय था जब भारत अपनी सेना को मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से हथियार मंगाया करता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत अब अपने स्वदेशी हथियारों को दुनिया तक पहुंचा रहा है। दुनिया भर के देश भारत के हथियारों की मांग कर रहे हैं और भारत से उसके हथियार खरीदना चाहते हैं। ऐसे ही देशों में शामिल है इजिप्ट। मिस्र देश ने भी भारत के स्वदेशी हथियार में अपनी रुचि दिखाई है। इजिप्ट ने DRDO के द्वारा बनाए गए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए अपनी रुचि दिखाई है। बताते चले कि इजिप्ट कई सालों से
भारत के हथियार को खरीदना चाहता है और अब ये डील फाइनल स्टेज तक पहुंच चुकी है। भारत जल्द ही इस डील को फाइनल कर सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत ने अब तक केवल आर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल दी है और इजिप्ट, फिलीपींस, ब्राजील जैसे देश भी चाहते हैं कि उसको इस बेहतरीन और हवा में दुश्मन को खत्म करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाए। को बता दे कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत डायनेमिक लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया है। इस मिसाइल में उन्नत संस्करणों का विकास किया गया है। हाल ही में DRDO ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें इस मिसाइल ने एक साथ 4 टारगेट को सफलतापूर्वक तबाह किया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश भी था। यह मिसाइल कम रेंज की मिसाइल है लेकिन हवा में दुश्मन को ट्रैक करके उसे तबाह कर सकता है। आकाश मिसाइल के 3 वेरिएंट है। पहला आकाश मार्क जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है, दूसरा आकाश मार्क 2 इसकी रेंज 40 किलोमीटर है, तीसरा और सबसे खतरनाक वेरिएंट है आकाश NG जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG हवा में 20 किलोमीटर तक जाकर दुश्मन को नष्ट कर सकता है। इसकी स्पीड है 3087 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका वजन 720 किलोग्राम है और ये 60 किलो हथियार को अपने साथ ले जा सकता है। यहीं पर ये 19 फीट लंबी है। भारत और चीन के बॉर्डर पर इसे तैनात किया गया था। LAC पर भारतीय सेना की ये मदद करता है। वहीं आर्मेनिया ने भी अपने बॉर्डर जो कि अजरबैजान के साथ लगता है वहां पर इस शॉर्ट रेंज मिसाइल को डिप्लॉय किया हुआ है। यही कारण है कि दुनिया भर के देश इस शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।